तो अगला वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है शॉर्टकट। यह सॉफ्टवेयर तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम यानी मैक, विंडो और लिनक्स सब पे उपलब्ध है और ये एक ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि आपको कभी भी कोई भी एक पैसा भी इस सॉफ्टवेयर को परचेज करने के लिए देने की आवश्यकता नहीं है। इसमें हेलो फ्रेंड, वेलकम टू वीडियो एडिटिंग गुरु। मेरा नाम है रमाशंकर। मैं पिछले 22 साल से वीडियो एडिटिंग ग्राफिक डिजाइनिंग क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। अब तक हमने हजारों लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड किया है। जो लोग इंडिया या इंडिया से बाहर किसी स्टूडियो, न्यूज चैनल्स या पर्सनल प्रोफेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। इसमें जितनी भी सुविधाएं आपको मिलती हैं वो सब बिल्कुल फ्री होती हैं और ये बहुत ही पावरफुल और बहुत ही यूजफुल और आपके एडिटिंग को बहुत अच्छी तरीके से प्रयोग करने के लिए इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। चलो देखते हैं इसमें और कौन कौन सी खूबियां हैं जो इसको नंबर 3 पर अवेलेबल करा के रखा है। अगला वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है शॉर्टकट। ये भी बहुत अच्छा फ्री टूल है। आप इसमें शॉर्टकट गूगल पर जाएंगे तो ये शॉर्टकट और पर क्लिक करिए। चलते हैं, देखते हैं ये क्या क्या ऑप्शन उपलब्ध कराता है। शॉर्टकट एक तरीके का फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ये क्रॉस प्लेटफॉर्म वीडियो एडिटर, मतलब ये होता है ये विंडो और मैक दोनों पर उपलब्ध है। इसे विंडो और मैक दोनों पर भी यूटिलाइज किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ये लिनक्स के ऊपर भी काम करता है। साइट पे हम यहाँ जाते हैं तो यहाँ पर आपको डाउनलोड की फ्री अवेलेबल, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं, आराम से डाउनलोड कर सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं। ये इसका इंटरफेस है। जनरली ये आपका फ्रिज रखने के लिए है, ये देखने के लिए है, ये पैरामीटर्स हैं, ये कलर के लिए होता है, ये टाइमलाइन है। तो यहाँ पर इंटरफेस तो लगभग एक जैसा ही है जैसा नॉर्मल वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में होता है, वैसा ही है। और ये वाइड फॉर्मेट सपोर्ट करता है, बहुत सारे फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है। ज़्यादा डिटेल में जानकारी लेना है तो यहाँ पर क्लिक करके मोर में जाएंगे तो यहाँ आपको पूरी लिस्ट आपको ये प्रोवाइड कर देगा। देखिए बहुत सारे 4K तक ये सपोर्ट करता है, प्रोरेस, DNxHD को भी सपोर्ट करता है। तो इसमें लगभग मार्केट में जो भी 4K तक अवेलेबल होते हैं फॉर्मेट्स उन सबको ये सपोर्ट करता है। चाहे आपको ABI हो, MOV हो, MP4 हो, जितने भी आपको सपोर्ट करते हैं। इमेजेस में भी वही है, BMP, GIF, JPEG, PNG, SVG, TGA, GIF सबको ये सपोर्ट करता है नेटिव तरीके से और एक्यूरेट फ्रेमिंग के साथ ये काम करता है। मल्टी फॉर्मेट टाइमलाइन मिक्स मैच रेजुलेशन फ्रेम रेट विद इन अ प्रोजेक्ट। इसका मतलब होता है एक ही टाइमलाइन पर अलग अलग फॉर्मेट के वीडियोस को आप ला सकते हैं, यूज कर सकते हैं, चाहे उनका फ्रेम रेट अलग हो या उनका रेजुलेशन अलग हो, उन सभी को आप यहाँ पे जो है ना ला सकते हैं। वेबकैम कैप्चरिंग ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये वेबकैम कैप्चरिंग वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में नहीं होता है। आप वेबकैम से डायरेक्टली इसमें कैप्चरिंग कर सकते हैं, ऑडियो कैप्चरिंग कर सकते हैं और 4K रेजोल्यूशन तो हमने आपको बताया ये सपोर्ट करता है। नेटवर्क प्लेबैक करने के लिए, नेटवर्क में यदि आप कहीं काम कर रहे हैं नेटवर्किंग में, तो उसके लिए भी ये सॉफ्टवेयर बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। ऑडियो फीचर के लिए बहुत सारा ऑडियो टूल को एडिट करने के लिए, बहुत ट्रैक को आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। इसके बहुत अच्छे तरीके मिक्सिंग करने के लिए यहाँ पर हेडर में कई सारे ऑप्शन दिए गए जिनको आप यूटिलाइज करके ऑडियो को बहुत बेहतर तरीके से, उसकी लाउडनेस को, पीक मीटर, वेवफॉर्म, स्पेक्ट्रम एनालाइजर, कई सारे ऑप्शन होते हैं जिनके द्वारा इसको कंट्रोल किया जा सकता है, ऑडियो को कंट्रोल कर सकते हैं। ऑडियो फिल्टर्स, बहुत सारे फिल्टर्स हैं यहाँ पर, देखिए बैलेंस, बॉस, ट्रेबल, कंप्रेसर, कॉपी चैनल, डिले, डाउन मिक्स, एक्सपेंडर, गेन, बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनका प्रयोग करके आप इफेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं जिससे ऑडियो कंट्रोल होती है। वीडियो इफेक्ट्स, देखिए वीडियो इफेक्ट्स की तो भरमार है, पूरी वीडियो हर लेवल का इफेक्ट आपको यहाँ पर उपलब्ध रहता है। वीडियो कंपोजिटिंग कर सकते हैं, क्रॉस द वीडियो ट्रैक, वीडियो ट्रैक को आपस में क्रॉस, एक से ज़्यादा वीडियो को आपस में कंपोजिट किया जा सकता है। HTML फॉर्मेटिंग को भी ये सपोर्ट करता है, वीडियो सोर्स यदि आपके पास है, फिल्टर्स को भी, 3-way कलर को भी ये सपोर्ट करता है। 3-way कलर से आप शैडो, मिड और हाईलाइट तीनों लेवल के कंट्रोल करके आप बेहतर तरीके से कलर करेक्शन कर सकते हैं। डी इंटरलेसिंग, ऑटो रोटेशन, वाइब ट्रांजिशंस, जैसे बार, बर्न, डोर, आयरिस, जो नॉर्मल होते हैं वो सारे इसके अंदर आपको ब्लेंडिंग मोड होते हैं। यदि आपने फोटोशॉप में काम किया तो आपको पता होगा। यहाँ पर देखिए एड, ओवर, स्टैक, मल्टीप्लाई स्क्रीन, ओवरले, इन सबसे परिचित होंगे यदि आपने फोटोशॉप में काम किया है या प्रीमियर में काम किया है तो इस सबसे परिचित होंगे। ये सारे आप कंपोजिट मोड का प्रयोग करते हैं। ब्लेंडिंग मोड का मतलब कंपोजिट मोड आप आराम से कर सकते हैं। वीडियो फिल्टर आपको
नॉर्मली जितने आपको आवश्यक होते हैं वो सारे के सारे लगभग यहाँ पर आपको उपलब्ध हैं। अल्फ़ा चैनल को यूज कर सकते हैं, अल्फ़ा चैनल इसमें सपोर्ट करता है, आराम से बेहतर तरीके से अल्फ़ा चैनल को प्रयोग कर सकते हैं। जो जो आपको यहाँ पर जरूरत है, क्रॉप करना है, सर्किल, रेक्टेंगल, डिस्टॉर्ट, हाईलाइट, ड्यू सैचुरेशन, 3D लट्स, मास्किंग, बहुत सारे ओल्ड फिल्म बनाने के लिए इफेक्ट देता है जिससे आप अपनी क्लिप में जो है ना उसको ऐड करके बहुत बेहतर तरीके से रिजल्ट, आपको कोई पुराना लुक देना तो आप दे सकते हैं। वीडियो के साइज़ को पोजीशन को रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, सारा ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है। ऑडियो वीडियो के क्लिप को स्पीड इफेक्ट मिल जाता है, स्लो करना है, फास्ट करना है, या क्लिप को रिवर्स करने की भी सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध रहती है। टाइटल टेम्पलेट्स बहुत सारे हैं, उनका आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ट्रैक को हाइड कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं। ऑडियो वीडियो को डिटैच किया जा सकता है, की फ्रेमिंग की जा सकती है, स्क्राइबिंग होती है, बेसिकली जब आप किसी हेडर को आप मूव करते हैं तो आपको ऑडियो सुनना या नहीं सुनना, ये ऑप्शन यहाँ पर भी आपको उपलब्ध रहता है। क्लास प्लेटफॉर्म मतलब ये होता है कि आप मैक, विंडो और लिनक्स तीनों सॉफ्टवेयर में ये फॉर्मेट उपलब्ध है, इसको आराम से सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके यूटिलाइज कर सकते हैं। मल्टी फॉर्मेट यानी एक ही टाइमलाइन पर बहुत सारे फॉर्मेट को रख करके यूटिलाइज कर सकते हैं, आपको उनको कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये इसकी क्षमता को दर्शाता है। तो चलो, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जिससे कि हमें पता चले कि आपको इस चीज़ में क्या चीज़ पसंद आई। और यदि आपके पास कोई ऐसा आइडिया है जिस पर हम वीडियो बनाना चाहें तो आज हम देखेंगे, यदि आपका आइडिया मुझे पसंद आया तो उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। हमारे वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए, जो कि अब तक आपने कर ही लिया होगा, धन्यवाद। अगले वीडियो तक देखते रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए, सीखते रहिए, और जो आपके पास है वो दुनिया को सिखाते रहिए। अगले वीडियो तक विदा लेते हैं, तब तक की रामा की राम राम।